नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी शार्प मेजर कॉर्ड को, ओके। और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी फिंगरिंग भी अच्छी चलने लगे उसके ऊपर, आरपीजियो भी बढ़ सके और उसके इन्वर्जन्स भी हम प्ले कर सकें, ओके। तो सी शार्प मेजर कॉर्ड के नोट्स क्या क्या होंगे? सी शार्प, एफ एंड जी शार्प, ओके। सी शार्प, एफ, जी शार्प, इन तीनों को एक साथ दबाने पर बहुत अच्छा साउंड करता है। कोई भी कॉर्ड हो, उसको पेडल को, सस्टेन पेडल को दबा के रखें। फिर देखिए, ये मैं कुछ नहीं बजा रहा, सिर्फ सी शार्प मेजर कॉर्ड बजा रहा हूं। एक ही कोहर के अंदर देखिए कितना सारा कुछ कर दिया। ओके, तो कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाए, कैसे होगा सारा कुछ, तो देखिए, ये एक तो मेरा जी शार्प कोड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, आप ऐसे प्रैक्टिस करें। सी शार्प, एफ, जी शार्प, सी शार्प, एफ, जी शार्प, सी शार्प, एफ, जी शार्प। अब फिंगरिंग कैसे रखेंगे फिर इसके लिए, तो देखिए राइट हैंड की फिंगरिंग बताता हूं। टू, वन, टू, वन, टू, फोर, वन, टू, टू, वन, टू, फोर, वन, टू, फोर। ये वन टू का फोर, फोर टू का वन सा लग रहा है कुछ, ओके। तो टू, वन, टू, फोर, वन, टू, फोर, वन, और डिसेंडिंग, टू, वन, फोर, टू, वन, फोर, टू, वन, टू। मतलब इसमें तीन फिंगर ही यूज हो रहे हैं, वन, टू एंड फोर, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी फिंगर्स को रख लीजिए, है ना। मतलब नीचे वाला नोट आ जाए वहां पे लगा दो थंब, ठीक है। पीछे का नोट है मतलब जो लोअर ऑक्टेव है उस उधर का कोई नोट है, लोअर नोट है, उस पर सेकंड फिंगर लगा दो, ठीक है। और अंगूठे के पास में अगर कोई की आ रहा है तो उस पर भी सेकंड फिंगर लगा दो, और काफी दूर आ रहा है तो उस पर फोर्थ फिंगर लगा दो, बस ये। लेफ्ट हैंड में एक तो इसका एक की काम करना बंद कर गया, इसको मैं देखिए दबा रहा हूं लेकिन आवाज नहीं आ रही, कभी आती कभी नहीं आ रही है। तो एनीवे,
लेफ्ट हैंड में भी है वो सेम है, जो फिंगरिंग है ना यही तीन फिंगर से यूज हो रही है लेफ्ट हैंड में भी। और दोनों हाथों से अलग अलग कीजिए इसको, जरूरी नहीं है कि आप दोनों हाथों से एक साथ करें। इस तरह से ठीक है, कम स्पीड में करिए। और ये सेम चीज आप दूसरी दूसरी जो कॉर्ड्स हैं उन पर भी कर सकते हैं, जैसे मैं सी मेजर पे करता हूं। राइट हैंड से कर दो, इसमें 1, 2 एंड 3 ये वाली फिंगर यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, सी मेजर पे है ना। इसको भी एक्चुअल में आरपीजियो ही बोलते हैं जो मैं प्ले कर रहा हूं, ओके। और इसी से हाथ काफी तैयार हो जाता है कॉर्ड्स के लिए, है ना। और भी कोई कॉर्ड ले लें, जैसे कि डी मेजर ले लिया मैंने, इसमें भी 1, 3, 1, 2 एंड 3 नोट्स ही यूज हो रहे, फिंगर यूज हो रहे हैं। जो बिल्कुल ऊपर का नोट होता है जहां से अपने को लौट के आना है उस पर मैं फिफ्थ फिंगर यूज कर रहा हूं। और लेफ्ट में इस एक्सरसाइज को ना दोनों हाथों से करिए, ऐसे नहीं समझना है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड से करें उसी के लिए काम है, दोनों से करिए। और मैं अपने बताऊं तो मेरा तो एक्चुअल में राइट हैंड इस एक्सरसाइज पे ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेफ्ट कब चल पा रहा है ना, राइट की प्रैक्टिस ज्यादा है क्योंकि ये हारमोनियम पे भी ये की जाती है। ज्यादा नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 2 ऑक्टेव तक ही करिए इसको।
किसी भी कॉर्ड में, किसी भी कॉर्ड में इसको कर सकते हैं ना। आपके हर कॉर्ड पे होनी ही चाहिए, है ना? उसी से आपके कॉर्ड्स भी प्रॉपर तैयार होंगे और आपका हाथ भी ढंग से चलेगा, है ना? इस तरह से तो आप इसको जरूर कीजिए। ओके, आप कम स्पीड में कीजिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बजा बता दिया है, आप स्पीड कम रख के करें। थैंक यू।